गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी सारिआं दा। बहुत बहुत स्वागत है साडे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेज गिल दे विच। उम्मीद करदी हां सारे जाने बहुत वधिया होवोगे। सो शुरुआत करदे हां अज दे ब्लॉग दी। टाइम 7:30 हो चुके ने और मैं रेडी होके जा चुकी हां स्कूल, जो मैं रेडी आ। ते रात थोड़ी थोड़ी बारिश भी हुई सी जिहदे नाल बाहर वाले विहड़े दे विच थोड़ी जी मिट्टी वगैरह गमलों में निकल आई सी। ते मैं ते बचीत धो रहे हां इधर वाला बेड़ा। कल आप गमलों की सैटिंग की सी, छोटे गमले जिन्हें अपने उरे सारे पे सीगे, इत्थे पे से सारे वो आप चकवा के उपर रखवा दते ने। ते इत्थे सिर्फ बड़े फ्रूट्स वाले गमले ही रखे आ। ते और ये भी उत्थे पे से जिथे ना सर्कल बनया हुआ, तो उतों आप खिसका के थोड़ा इधर किए ने ताकि बेड़ा जो धोना हों आसानी रहे। तो यही रखे ने, हम आप सारा बेड़ा धो दिता है। सोफा दा पैक कर ला उपर जाके, मिन्ता कर लंदा। हां जी, टाइम 2:30 बज चुके ने। तकरीबन 3 बजे अपना चाह का टाइम हो जाता और उस तो बाद 4 बजे ट्यूशन स्टार्ट हो जाती है। पर मैनू हुण थोड़ी नींद आ रही सी, पर नहीं हुण चाह पीवांगे ते नींद नूं भजावांगे। ते दुपहर अज टाइम नहीं लग्या हैगा रैसट करन दा, क्योंकि थोड़ा जिहा इधर उधर ही बिजी सीगे ते ज़्यादा रैसट नहीं कर पाए हैगे। सो चलो हुण चाह की वेट करदे हां, 3 बजे आ जाएगी बन के। ओए ओए गड्डी आउंदी आ, जोवन ने मैक नूं घेरता है। तू भी ओहदे नाल लगी हुई सी। ओए जोवन चल कर रस्सा कट्ठा, चलिए रख गड्डी च, पहले गल चो तो कढ लै। चला चलिए। चला चलिए। हां जी, असी तीनों जाने आ गए उपर। ते आउंदे सार आपां ने एसी ऑन कर लिया, क्योंकि लाइट बहुत परेशान कर दी है, रात नूं बार बार जाई जांदी है ते बहुत ज्यादा दिक्कत हुंदी है। फिर कदे चली जांदी है लाइट, कदे आ जांदी है, सारी रात नहीं टिकदी हैगी। सो चलो जद तक एसी थोड़ी कूलिंग करदा रूम दे विच, आपां छत ते थोड़ा टहल के आउने आ, बूटियां नूं पानी वगैरह पा दईए। लो जी, आपां तां फ्रैश हो गया। ते मैं हुणे फेस वॉश कीता सी अपना, ते जिदा तुसी वी हुण मेरे लास्ट ब्लॉग्स दे विच देखिया होगा कि मेरे बहुत ज्यादा पिंपल्स हो रहे ने। ते जिन्हां दी मुख वजह हैगी आ अंब दा अचार, क्योंकि मेरे मम्मी ने बहुत ही ज्यादा टेस्टी अंब दा अचार बना के दिता ते ओह इन्ना ज्यादा खा हो रहा मेरे तो। वैसे मैं छड्डिया होया सी अंब दा अचार नहीं खांदी, पर इस बार मम्मी ने बहुत ज्यादा टेस्टी बनाया अचार कि रह नहीं हुंदा खादे बिना। ते ओह खाण दे नाल जदे मेरे सारे पिंपल्स हो जांदे आ फेस दे उपर, क्योंकि ना मैं मैंगो खानी हाँ वैसे फ्रूट दे वजो और ना ही मैं अचार खानी हाँ। सो और थोड़े जे पिंपल्स जिदा ये वाले ये दुखते भी आ, काफ़ी पेन कर दिया। तो मैं सोचा कि घर अपने एलोवेरा के बूटे लगे हुए आ, तो 2-3 गमलों के अज मैं थोड़ी जी वो कटिंग करके वो आप फेर लें कर लें थोड़ा जहा, ताकि मेरे दुखणगे नहीं है ना। तो क्योंकि अंब का चार जब तक खत्म नहीं हुंदा रुकता होना ही नहीं हैगा। तो वैसे आप स्किन नूं थोड़ा जिहा कर सकते हैं कि पेन ना होवे। सो चलो मैं देखती हूँ हुण एलोवेरा कट के लगानी आ। लो जी, एलोवेरा का मैं इन्ना कु पीस कट लिया, तो हुण मैं अपने फेस ते लगावांगी इहनूं चंगी तरह। लो जी, मैं अपने पूरे फेस ते एलोवेरा लगा लिया। एलोवेरा की जो जैल हुंदी आ ओह अप्लाई कर ली आ पूरी ओरिजिनल। तो मैं हम कुछ टाइम लिए इदा ही रखा, तो ये अपने आप ही ड्राई हो जानी है। सो कोशिश करा कि डेली लगा सका, पर डेली इन्ना करता नहीं होंगे है, पर कोशिश जरूर कर सकते हैं। आप बाहर बहुत तेज़ हवा चल पी है, तो चलो मैं हूँ वॉशिंग मशीन लगा देव। पहले मैं वेट कर रही थी इंद्रजीत की, पर उन्होंने को नीचे कस्टमर आ गए कि वह भी अपने कपड़े दे देंगे उन्होंने वाले। चलो कोई नहीं, कल वाले अच्छे धोते जाएंगे, पर जिन्हें हम सारे साढ़े है वो मैं वॉशिंग मशीन लगा वा,
क्योंकि लाइट का कुछ नहीं पता, हवा बहुत तेज चल पी है। पिछली बार भी जो तूफान जहा आया सीगा, पूरी रात और नेक्स्ट डे नहीं आई सी, शामी आई। फिर फ्रोजन आए, फ्रोजन इधर आ, मैट कठा किया सारा है, चल आओ फ्रोजन। ओ बच्चे मैट कठा किया फ्रोजन ने। फ्रोजन सैंडी कितने आ, तेरी सहेली सैंडी और बारबी कितने ने, दोनों छड्डे आई, चलो चली उन्होंने को, चलो 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 क्योंकि बारिश हो सकती है रात नूं थोड़ी थोड़ी गर्मी हुई सी, बहुत वधिया लग रहा बारिश आई थिंक स्टार्ट हो गई छोटी छोटी जी, पता नहीं लगता कुछ चानना पै सके, फिर इथे बैठिया करांगे, वधिया गार्डन बना लेना आपां ने। हांजी मौसम बहुत खराब हो चुका, टाइम भी 11 बज चुके ने, लाइट जा चुकी है, गर्मी बहुत हो चुकी है सारा कुछ है चुकया 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 है, ते मौसम खराब हो गया, ते हुण आपां नूं भी फोन साइड ते रख के पै जाना चाहिए क्योंकि बिजली बहुत ज्यादा लिशक रही है, क्योंकि जब तो पिछले बार जिहड़ी बिजली पई सी ओह पैंदी देखी है, जब तो बिजली तो बहुत ज्यादा डर लगता, काफी बिजली लिशक रही है, ते हुण फोन साइड ते रख के सौ जाण दे विच ही भलाई आ। सो चलो जी अज दे ब्लॉग दी इत्थे एंडिंग करदे आ, उम्मीद करदे आ तुहानू अज दी वीडियो पसंद आई होवेगी, वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल नू सबसक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भुलना। थैंक यू।